रंगारी के शराब दुकान को लेकर ज्ञापन एवं धरना चल रहा था, जिसको लेकर क्षेत्र में आक्रोश था। आखिर प्रशासन ने यहाँ की दुकान हटाने हेतु आश्वासन दे दिया, जिसको लेकर समस्त लोगों में खुशी का माहौल है। आदरणीय रामराव जी आए और उन्होंने जो वक्तव्य दिया, जो जोश दिया, इसमें एकदम चहलपहल मच गई। प्रशासन सोचने लगा कि कल क्या होगा, भट्टी तोड़ेंगे, पुलिस बल प्रहार करेंगी और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, किस प्रकार से टालना चाहिए। प्रशासन दल से जो काम को लगा वो आज दोपहर तक उन्होंने अपना काम किया। यहाँ अधिकारी आए और अधिकारी ने पहले तो बोला कि भाई हम यहाँ से थोड़ा इधर उधर हटा थे, लेकिन सभी ने जीत किया, सभी थे बीजेपी कांग्रेस के सभी थे कि मैंने यहाँ से अब बाहर ले जाओ। काफी समय तक इस बारे में चर्चा होती रही और उसके पश्चात उन्होंने ये बोला कि हम 8 दिन में भट्टी को हटा देंगे। हमने बोला कि 8 दिन नहीं 9 दिन लगाओ, लेकिन किसी ने तो भी हमारे को रॉयल किसी ने तो बोला कि उसको लिख के दो। सभी ने बोला कि नहीं, इसका वीडियोग्राफी हो रही है, सब इस पे अधिकारी बैठे, सब बैठे भाई उसके सामने, हम उससे मुकरेंगे नहीं। हम जो भी अभी आश्वासन दे रहे हैं, जो कि साहब उसने काफी मदद की, सबसे पहले तो हमारे गुरु जी, विधायक जी, हमारे डॉक्टर और हमारी टीम और साथी गांव वाले, गांव की महिलाएं सब एकत्रित होके वो एक जब यूनिटी बनी, एकता बनी, तो ये एकता की विजय है जिससे प्रशासन डर गया और ये विजय है। और 8 दिन में यहाँ से भट्टी हटने का हमें आश्वासन मिला है। अब उसी आधार पर हमें आग्रह हुआ कि अपन अंशित तोड़ो, वहां तोड़ा और मन से इनके गुरु जी और हमारे दाई जी के कार्यक्रमों द्वारा हमको दिलाया गया और पूर्ण अंशन हमारा समाप्त हुआ। लेकिन एक बात, जैसा गुरु जी ने बोला कि केवल शराबी नहीं, तो जो भी बुराई यह है उसके लिए हम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर, हमारा जो अभी गुरु जी हो चाहे मैं हूं, बाकी तो युवा है, उनके साथ लेकर उस बुराई के विरोध में भी हम लड़ेंगे और ये जो हमारा आयुष्य है शेष वो उसमें हम पूरा लगाएंगे। जब भी ऐसे मौके आते कहीं भी हो, हम वहां बिल्कुल उस बुराई को दूर करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए धन्यवाद करना लगाते काम करेंगे। धन्यवाद।